हमें ये, ये अंदाज़ा है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनस जो हैं वो रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड सोशल ऑर्डर की बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं तो स्ट्रेटिफिकेशन या दर्जाबंदी का निज़ाम भी उनके लिए जो है वो उनका ये ख्याल है कि ये निज़ाम सोसाइटी के लिए चूँकि फंक्शनल होता है इस वजह से एग्जिस्ट करता है अगर ये सोसाइटी के लिए फंक्शनल ना हो तो सोसाइटी में दर्जाबंदी का निज़ाम एग्जिस्ट नहीं कर सकता लिहाजा वो इसको इसकी फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं सो अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट सोशल स्टार्टिफिकेसन इज़ नेसेसरी फॉर सोसाइटी टू फंक्शन एफिशेंटली एंड इफेक्टिवली फंक्शनलिस्ट के मुताबिक अगर दर्जाबंदी का निज़ाम मौजूद ना हो तो सोसाइटी जो है वो एफिशेंटली और इफ़ेक्टिवली फंक्शन नहीं कर सकती है मिसाल के तौर पर हम फैमिली uh, इंस्टीट्यूशन को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख लेते हैं अगर फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर हरार्किकल पोजीशंस ना हो, दर्जाबंदी का निज़ाम ना हो पेरेंट्स की और उनके बच्चों की पोजीशंस जो हैं वो इक्वल हों तो शायद सोशलाइजेशन मुमकिन नहीं हो सकेगी बिल्कुल इसी तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर भी हम अगर हरार्किकल पोजीशंस के ऊपर मबनी निज़ाम कायम ना करें तो शायद ये निज़ाम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा किसी भी क्रिमिनल को अप्रीहेंड नहीं कर पाएगा अगर अथॉरिटेटिव पोजिशन मौजूद नहीं होंगी तो इसी तरह से हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो भी दर्जाबंदी के निज़ाम में मौजूद हैं टीचर के पास एक रैलेटिव अथॉरिटेटिव पोजीशन होती है एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट लेकिन अगर ये रेलेटि अथॉरिटेटि पोजीशन ना हो और स्टूडेंट और टीचर दोनों का स्टेटस इक्वल हो जाए तो शायद लर्निंग भी मुमकिन नहीं हो पाएगी क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के दरम्यान जो वो एक अथॉरिटेटिव पोजिशन है जिसके ज़रिए टीचर जो है वो अपने बात को फोर्सफुली कन्वे uh, कर सकता है या स्टूडेंट को जो है सोशलाइज़ कर सकता है वो इस प्रोसेस के अंदर फिर मुमकिन नहीं हो पाएगा सो फंक्शनलिस्ट आर्ग्यू दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन मेरिट एंड टैलेंट विद the most qualified and capable individuals occupy the most important and influential positions तो इनका ये ख्याल है कि माशरे के अंदर जो भी दर्जा बंदी का निज़ाम होता है वो मेरिट के ऊपर होता है वो आ, किसी भी एस्पेक्ट या किसी भी इंडिविजुल के उस पोजिशन के हवाले से बेस्ट फिट की वजह से होता है अगर वह इंडिविजुअल के अंदर उस इंडिविजुल के अंदर कैपिलिटी मौजूद ना हो वो कैपेसिटी ना हो कि वो उस पोजीशन को जस्टिफाई कर सके तो वो उस पोजीशन के ऊपर नहीं रहेगा तो इट्स अ इट्स अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और इनके ख्याल के मुताबिक जो बेस्ट फिट लोग होते हैं वही उन पोजिशन को आक्यूपाई करते हैं इन पाकिस्तान फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव ऑन स्ट्रेटिफिकेशन आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ मेरिटोक्रेसी

और उस मेहनत के नतीजे में अपने उस टैलेंट की बुनियाद के ऊपर जो है इस मेरिटोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को बेस्ट फिट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस तरह से ऑब्जर्व करें और ये देखें कि उसके अंदर जो भी दर्जाबंदी का निज़ाम है क्या वाकई वो मेरिटोक्रेसी की बेस के ऊपर कायम हुआ हुआ है और किस तरह से उसकी वो पोजिशन जो हैं वो उस निज़ाम के लिए फंक्शनल हैं या डिसफंक्शनल है अगर वो डिसफंक्शनल है तो भी वहां पे वो क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? सो इट्स अ फॉर थॉट फॉर यू